हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के पीछे का राज क्या है। वहाँ पे कोई भी एयरप्लेन या जहाज जाता है तो वहाँ पे खो क्यों जाता है। और वैसे बता दूँ, अभी तक ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट आप देख सकते हो जो कि वहाँ पे जाते हैं एयरप्लेन, वो जाके अपने आप गायब हो जाते हैं। वैसे अभी तक इतने जहाज खो चुके जाके काफ़ी जहाजों के वहाँ पे ट्रेसेस भी नहीं मिले हैं। वैसे बता दूँ, जो बरमूडा ट्रायंगल है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच है। ट्रायंगल शेप में ये दिखता है, इसलिए इसका नाम बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। वैसे तो बता दो, काफी लोगों का ये मानना है कि वहाँ पे सुपर नेचुरल एक्टिविटी होती है। वहाँ पर साइंटिस्टों का कहना है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे अधिकतर बार काफी बार मौसम बदलने के कारण ये वहाँ पे काफी ज्वालामुखी, मतलब काफी वहाँ पे वॉल्केनोज है जो कि नीचे में है, काफी बड़े बड़े वॉल्केनोज है जिसके कारण वहाँ पे कोई भी चीज जाती है तो वहाँ पे गायब हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। वैसे बता दूँ, ये सब आज के समय में कहना मुमकिन नहीं है कि अभी भी वहाँ पे कोई जाएगा और खो जाएगा, हम ढूंढ नहीं पाएंगे। अभी के समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि यहाँ पे कोई भी एयरप्लेन खोता है तो हम उसको ढूंढ सकते हैं अभी के समय में। पर जिस समय पहले खोए थे वो अभी तक बिल्कुल कचड़े बन चुके हैं, उसको हम ढूंढ नहीं सकते, इसके कारण उसके अभी तक ट्रेसेस भी नहीं मिले हमको। वैसे तो बता दूं, जो नीचे वॉल्केन है, जो वहाँ पे काफी सारी गैसेस मिक्सर आता है जिसके कारण जो वहाँ पे कोई भी एयरप्लेन या जहाज जाता है तो वो अपने अंदर खींच लेता है, जिससे हमें लगता है वहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल या कोई अलग एक्टिविटी है जिसके कारण वहाँ पे ऐसा हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो साइंटिफिक रीजन है वो यही है, वहाँ पे काफी सारे वॉल्केन है, जो बहुत बड़े बड़े वॉल्केन है और वहाँ पे अधिकतर बार मौसम बदलता है, काफी गर्म हो जाता है, काफी तेजी हवा चलती है जिसके कारण वहाँ पे ऐसा होता है। वैसे इससे रिलेटेड एक रियल इंसिडेंट पे बता दूं, जिसमें एक एयरप्लेन वहाँ से गुजरता है। उनका ये कहना था वो वहाँ से गुजरे थे तो वहाँ पे काफ़ी तेज हवा चल रही थी और उनको कुछ पता नहीं चल रहा था वहाँ पे क्या होने जा रहा है। बट जब उन्हें रियलाइज हुआ था तब उन्हें पता चला कि वहाँ पे उनके जो एयरप्लेन की स्पीड थी वो एज़ कम्पेयर टू अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा थी, 5x स्पीड थी। मतलब अभी के समय में उतनी स्पीड भी नहीं है किसी भी एयरप्लेन की या जेट की भी। उस समय जब वो अंदर गए तो उनकी स्पीड बहुत तेज थी, जो कह सकते हैं लाइट की स्पीड से थोड़ा कम चल रहे थे वो, वहाँ पे इतनी तेज हवा चलती है। बट वो अभी भी जिंदा है, जो वहाँ पे रियल इंसिडेंट हुआ था उनके साथ। लोगों के मन में भी मिथ है कि वहाँ पे कुछ अलग है, एलियन रहते हैं वहाँ पे या सुपर नेचुरल पावर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिस्टों का जो कहना है वो वहाँ पे बड़े बड़े वॉल्केनोज है और वहाँ पे काफी तेज हवा चलती है, यही वहाँ की मिस्ट्री है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करें तो थैंक यू।